शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी रही। डॉयच बैंक की सेटलमेंट की खबरों से शेयर में 14% का उछाल। अगले 5 दिन चीन के बाजार बंद रहेंगे। एशिया बाजारों की अच्छी शुरुआत, एक्सिस 50 30 पॉइंट ऊपर। सेल, बीईएल, कंटेनर कॉप समेत 22 पीएसयूज में हिस्सा बिक्री की सरकार की योजना। विनिवेश के लिए कैबिनेट नोट जारी। FY17 के लिए 56,500 करोड़ है विनिवेश लक्ष्य। सितंबर में मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे ज्यादा सेल, बिक्री 31% बढ़ी। रॉयल एनफील्ड की सेल में 30% का इजाफा। फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स बढ़ा सकते हैं गाड़ियों के दाम। क्रेडिट पॉलिसी से पहले पीपीएफ और दूसरी सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में कटौती। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए 0.1% की कटौती पीपीएफ की दरों में। अब पीपीएफ दर 8.1% की जगह 8% है। पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार को मिली 55,000 करोड़ की बोली। 700 और 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए नहीं मिली बोली। 2,300 मेगाहर्ट्ज की सभी स्पेक्ट्रम बिके।